एक काम करो, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? तो जाओ, मैं आ रहा हूँ ना। मारो मारो भाई, मैं पहुंचूंगा। मैं भाई, मम्मी बोल रही है कि बाइक को आग लगा देंगे, ये वो वगैरह वगैरह। क्या हाल चाल है, आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज की प्लानिंग कुछ अलग है। तो उस दिन आप लोगों को मैं दिखाया था कि NAS एंड डोमिनर दोनों को मैंने ड्रैग रेस में हराया था, मतलब दोनों ये अलग अलग करके मैंने हराया था। तो आज मैंने सोचा कि यार चलो ड्रैग रेस करके दोनों को एक साथ हराते हैं, ठीक है? तो वो सीन आज शायद होगा नहीं, क्योंकि NAS वाले मिसिंग है, वो बंदा आया नहीं। कब से फ़ोन कर रहा हूँ, वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मतलब सो रहा होगा। तो गाइस, मॉर्निंग पे जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है सबको। एंड चलो कोई बात नहीं, आज सिंगल मैं डोमिनर को चेक करता हूँ कि उसकी पावर और R15 की पावर क्या है। आज ना चलो एक अच्छे से प्लेस देख के वहाँ पर जाते। हम लोगों ने प्लेस ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पर चलते हैं, ठीक है? पीछे है अजीज़ एंड अजीज़ की वाइफ। तो चेक मार लो भाई, वो डोमिनर और R15 दोनों एक साथ खड़ी है। भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है कि R15 जीत पाएगी या डोमिनर 400 जीतेगी? यार मेरे को तो लग रहा है कि डोमिनर 400 जीतेगी, क्योंकि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा पावर है और मेरी बाइक की तो पावर ही नहीं है। मैं ना घर से पानी पी के नहीं आया था, पानी पी रहा हूँ मैं, पानी पी के मस्त जाऊँगा, ठीक है? फाइनली मैं मोटर ब्लॉगिंग में आ चुका हूँ। एंड चेक मारो, कल अजीज़ मेरे से ना ये दो चीज़ लेके गया था। तो ये है एक हैंडल बार गार्ड और ये रहा लाइट, ठीक है? और पीछे पीछे कहाँ लगवाया? अच्छा, ऐसा सीन है भाई, देख रहे हो ना, मस्त। ये है पुलिस लाइट, इसको पुलिस लाइट ही बोलते हैं, बट मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोग उसको क्या बोलते हो। एंड इसमें ना दोनों साइड पे लगाना चाहिए था भाई। आप एक काम करना, आज भी दो चीज़ लेके जाना, ठीक है? दोनों साइड लगवा देना, मस्त लगेगा भाई। चलो भाई लोग, जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है काफ़ी। आज तो बेटा तुम गए, देखना आज क्या ही कंपटीशन होता है, ठीक है? भाई जाने से पहले एक बार चारों तरफ चेक मार लो यार, कब प्लेस देख रहे हो, कितने बड़े बड़े घर है यहाँ पे, इसीलिए यार सीधा यहाँ पे पहुँच गया। भाई साहब, एंड भाई लोग घर पे बोलते हैं कि मैं बहुत तेज़ बाइक चलाता हूँ। तो कल ना मेरे सिस्टर ने मेरी वीडियो देखी, देख के ना तुरंत मम्मी को फ़ोन करा। मम्मी को बोल रही है कि यार मम्मी ये बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हो ना कि यार मेरे तो मीटर ही नहीं है, मीटर 0 पे, फिर भी भाई उन लोगों को पता चल गया कि मैं बहुत तेज़ चलाता हूँ। मेरी मम्मी बोल रही है कि बाइक को आग लगा देंगे, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोल रहा है कि अगर तू अभी नहीं सुधरा ना तो देखना बाइक लेके तू कहीं पे भी नहीं जा पाएगा। तो ब्लॉगिंग छोड़, ब्लॉगिंग नहीं चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ मेरे को बोला। भाई यही तो है यार, यार फैमिली की मम्मी पापा बहन भाई यही तो है अपने, बाकी तो सब दोगले है भाई। तो भाई लोग, जो लोकेशन हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो है डोंगेविल ब्रिज। इस ब्रिज पे ना सुबह सुबह बिल्कुल खाली रहता है, और सुबह नहीं अब दिन को भी आओ ना तो भी वो खाली रहता है। ये था एक मस्त प्लेस, जो कि इसमें हम लोग आराम से ड्रैग रेस वगैरह कर सकते हैं, इसमें इतना प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। तो इस चक्कर में सिलेक्ट किया था ये, और करके भी क्या फ़ायदा भाई, एक बंदा तो मिसिंग है, उसके वजह से ना वीडियो पे ना मज़ा ही नहीं आ रहा। तो सोचा था कि यार तीन राइडर मिलके एक मस्त एक ड्रैग रेस करेंगे। अजीज़ को बोलूँगा कि भाई दो तीन ना अच्छे से बीली मार दो, ठीक है? उसको आता है बीली मारना, मेरे को डर लगता है भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं गिर जाऊंगा तो हाथ पैर सब टूट जाएंगे, ऐसा वाला सीन है। एंड आज ना मैं और एक चीज़ मैंने घर पे भूल के आ चुका हूँ, जो कि है वो राइडिंग ग्लव्स। ओ शिट भाई, यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है ना। हाँ, वो NAS वाले ने ना सारा प्लानिंग ख़त्म कर दिया भाई, इसने तो हाँ। चलो तो ड्रैग रेस शुरू करते हैं ना, मैं करता हूँ ड्रैग रेस उसके साथ, ठीक है? एक ए, 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 ए,
साथ वो कंपटीशन ही नहीं है यार, क्योंकि इससे ना डबल डबल है वो। ठीक है रुको, राउंड टू ठीक है। एक दो तीन, काम कर सकते हो। लेकिन भाई क्या सीन है, इसमें क्विक शिफ्टर चाहिए, क्विक शिफ्टर मेरे को पता चल गया अब, क्योंकि वो ना दो में ना बहुत ज़्यादा भागती है। ठीक है, उस दिन कैसे उसको हरा दिया था आई डोंट नो, बट अब नहीं हो पाएगा ये। भाई आज तुम जीत गए। हाँ पावर भाई, डबल पावर है ना। ओ शिट, पीछे बैठ गया बंदा। क्या मस्त एंजॉय कर रहा है। ट्राई कर रहा है बिली, मारो मारो। ओ शिट मैन, अब मैं चलाने वाला हूँ डोमिनेट 400, चाबी वहीं पे लगी है। ठीक है भाई, एक बार चेक मारते इसको। क्या इसकी स्टैंड बहुत टाइट है भाई। ओ शिट, सुन पा रहे हो आप? ठीक है आप गाते इसको थोड़ा सा। सौ पहुंच गया, सौ भाई साहब। ओ शिट मैन, भाई पावर वाली बाइक चलाना चाहिए। ठीक है तब ना अंदर कुछ होता है यार, देसुर चीज़ें चला के क्या ही करूँगा। आवाज़ सुनो भाई, आवाज़। इसने अक्रैप रोबिक लगा लिया, बोल रहा है कि टिपिकल, और खोल के फिर देखते हैं भाई। भाई मेरे को ना इसके हैंडल छोड़ने में थोड़ा सा वो लग रहा है, डर लग रहा है अंदर, क्योंकि ऐसा ऐसा कर रहा है यार, हिल रहा है ये। अब मैं इसको बोलता हूँ चलो ड्रैग रेस करते हैं, चलो अभी अभी करते ड्रैग रेस। ठीक है चलो, उसके हाथ में डोमिनेट चार्ज था ना, तो मेरे साथ थोड़ा सा वो दिखा रहा था। एक काम करो, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है तो जाओ जाओ, तुम पहले जाओ। नहीं तुम पहले जाओ, ना ना मैं पहले, भाई ये तो कभी पकड़ नहीं पाएगी। नहीं तुम पहले जाओ, एक चांस देता हूँ जीतने की। एक साथ ही जाएगा? नहीं नहीं, एक साथ तो इसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। 400 सीसी है, 150 सीसी है, 250 सीसी ज्यादा है इसमें। आदमी का पावर देख ही सकते हो, इसमें 4 नंबर लगेगा, इसमें 6 नंबर लगाते लगाते हवा निकल जाएगी। तो तुम जाओ। नहीं 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 नहीं, पहले तुम जाओ ना, देखते हैं ना भाई, तुम पहले उधर तक जाओ। ठीक है मैं हॉर्न करता हूँ, तुम जाओ, मैं हॉर्न 3 बजा के फिर आता हूँ पीछे। नहीं नहीं हारमन जैसा नहीं होगा, पावर देखो पावर भाई इसमें। नहीं नहीं चलो, एक साथ तो कभी मुकाबला नहीं हो पाएगा। जाओ जाओ, हाँ जाओ। भाई मैं पहुंचूंगा, मैं अब मैं पहुंचा ना गए। मैं पहुंचा भाई, मैं पहुंचा। लोग देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहा है यहाँ पे। नहीं 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 हराया, यहाँ तक पहुँचने का वो था ना,
बेबी मैं पहुंचा आगे, तुम्हें पहले जाने दिया, दो बार चांस दिया मैंने। फिर से जाओ, तुम जाओ। भगवान दिया मैं, भगाओ मैं आ रहा हूँ ना। नहीं पॉसिबल नहीं है ये, हो पाएगा कभी इसके साथ ड्रैग रेस? हाँ इसका सामने ये काम नहीं। काम नहीं है मतलब यार, ये 155 cc है ना, फिर भी ये बहुत ज़्यादा भागती है, बस इसके लिए ये बहुत है। हाँ मस्त लगता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो है ही स्पोर्ट बाइक इसीलिए तो रेसिंग। हाँ मैं चला रहा हूँ एक बाइक है ना। एक बात बताऊँ, ये अपनी सेगमेंट में ना ये राजा है, ठीक है। तुम 155 cc मतलब 150 cc से लेके 200 cc तक ना ये आराम से टक्कर ले लेती है। हो गया R3 जो है ना, वो आराम से डोमिनर के साथ टक्कर ले लेगी। R3 डोमिनर से ज़्यादा भागती है शायद, मिलने से कोशिश करेंगे, हम भी ट्राई करके देखेंगे R3 के साथ। R3 भयंकर चीज़ है भाई, भयंकर मशीन है, उसके साथ पॉसिबल ही नहीं है। देखो अगर यही तुम्हारे साथ खींच रही है तो R3 तो सोचो, वो 300 cc की बाइक है, वो आराम से खींच लेगी डोमिनर के 400 के साथ। वो तो सही है, लेकिन अभी फिलहाल R3 मिलने से मेरा ये, इससे हम ट्राई करके देखेंगे कौन आगे फंसते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पावरफुल मशीन है ये, पावरफुल मशीन है भाई पता, पर वो भी किसी से कम नहीं है R3। आज डोमिनर को थोड़ा सा भगा दिया भयंकर, क्योंकि जीतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को ना आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोगों का सिर्फ प्लानिंग था कि R15 को डोमिनर से टक्कर लगाना, ठीक है। तो टक्कर लगा के देख लिया कि डोमिनर ही आगे जाएगी, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है फर्स्ट, एंड इसकी तो यार पावर ही नहीं है, ये तो बहुत कमज़ोर बाइक है। कि 155 cc है, फिर भी ये 200 cc के साथ आराम से टक्कर ले लेती है, ठीक है, क्योंकि ये 400 के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा पावर इसमें, देख रहे हो इंजन भी बड़ी है बहुत कुछ भाई, मस्त एक नंबर मक्खन है। आपको अच्छा लगा चला के? रेसिंग फीलिंग हो रहा था। भाई क्या बोल रहे हो, R1 तब तो ये सब तो हिसाब में भी नहीं आएगा। भाई लोग अजीज भाई बोल रहे हैं कि ये ना ड्रैगन जैसा लग रहा है, भाई ये तो है ही डोमिनर, तो डोमिनर जैसे ड्रैगन भाई वही समझ लो यार, वही ये कुछ वैसे ही कुछ नाम है। एंड चेक मार लो चारों तरफ डोमिनर को भी, एंड R15 को मत देखो क्योंकि ये बहुत गंदी हो रखी है। तो भाई लोग बस यही था जो कुछ, आके बहुत एंजॉय किया। अगर NS वाले आ जाते यार तो सोचो क्या ही होता, तो और बहनों बना था भाई, मिस कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। तुमने यार कम से कम फ़ोन उठा के बोल देना चाहिए था कि नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड गाइस तो चलो आज के लिए बस यही है कुछ सीन, फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया क्योंकि ये भागते भागते ये बहुत आगे निकल जाती है, तो यही दिक्कत है। तो फाइनली बस हो चुका है, किसमें? हाँ वो पहले वाले में, उसमें क्या सीन हो गया था मुझे नहीं पता, हो या तो तुम्हारे वो इनिशियल में कुछ 19-20 हो गया था उस टाइम, आपको तो आगे जाने देंगे। फिर भी मैंने बहुत आगे निकल चुका था, है ना, आगे जाना दिया। नहीं, इसमें क्या हो गया मैं समझ चुका हूँ, हैं आज मैंने 2 नंबर सीधा इससे मैंने खींचा, तो इसने इसको पकड़ नहीं पाई, हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे ना, तो उस टाइम उसने आराम से पिकअप ले ली। उस टाइम मेरे को क्या लगा पता है, इसमें लिमिटर आ रहा है भाई, ये जब भाग रही है ना, मेरे को लगा कि इसमें लिमिटर आ रहा है, इसमें तो लिमिटर ही नहीं है भाई। तो भाई लोग आज के लिए बस यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। बिना एक दफ़ा नज़ारा चेक मार लो, मैं ऐसा घूमूंगा ना चारों तरफ, आप लोग देखना, ठीक है, धीरे धीरे घूमूंगा। चेक मार रहे हो, देखो
धूप सीधा आंखों में लग रही है यार। तो बाय बाय।